शिमला में आतंकी साजिश का पूरा सच। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज पर आतंकी साजिश का सच सामने आने के बाद देश और प्रदेश की खुफिया एजेंसियों के काम की जमकर सराहना हो रही है। हालांकि नए साल का जश्न मनाने देश भर से पहुंचे लोग मायूस जरूर हुए। जिस तरह से प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने एकदम से रिज खाली करवा दिया, उसकी हर जगह हर मंच पर तारीफ हो रही है। क्या है इस साजिश के पीछे का पूरा सच और अब आगे क्या कदम उठाएगी सरकार, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं संजय अवस्थी और अनिल अग्निहोत्री। रिज की दहशत का सच जी, कल अवस्थी जी रिज पे जो हंगामा हुआ है जी, जी। हंगामा तो नहीं होने दिया प्रशासन की। अवस्थी जी, हम सबसे बड़ी तो एक पहले तो प्रशासन को साधुवाद, सरकार को साधुवाद, पुलिस को साधुवाद जी, जी। इतनी बड़ी थ्रेट थी जी, अच्छा हुआ भगवान का शुक्र है कि बम नहीं मिला जी, जी। लेकिन प्रशासन ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी जी। ओमिक्रॉन कोविड के नाम पे धारा 144 के नाम पे रिज खाली करवा लिया जी। बिल्कुल, आप पहले तो ये बताइए कि प्रशासन को कितना आप बधाई देंगे इस चीज के लिए। देखिए, हिमाचल सरकार, पुलिस प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसका बधाई का हकदार जी है। बिल्कुल, इसलिए हकदार है कि उस वक्त रिज सारा रिज भरा हुआ था। आप बोल सकते हैं कि जो शिमला का राजधानी क्षेत्र जो सारा पर्यटकों से भरा हुआ था जी, जी, जी। और ऐसा माना जा रहा था जो पिछले एक हफ्ते से ऐसी चर्चाएं चली हुई थी कि लगभग 10,000 वाहन 30-31 दिसंबर को प्रदेश में राजधानी में प्रवेश करेंगे। 10,000 वाहन का मतलब है कि एक वाहन में अगर चार लोग भी आते हैं लगभग 40,000 नए लोग, लोकल्स को अलग जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वक्त शिमला में आप मान लीजिए कि रिज के आसपास ही 10,000 के आसपास लोग होंगे कम से कम, बल्कि ज्यादा रखिए क्योंकि रिज पे ही पहुंचना होता है। तब तक आप ये समझिए कि थोड़ा अर्ली था, बिल्कुल 10,000 तो पहुंच चुके थे, बिल्कुल आप 40-50 रखिए नहीं तो अदरवाइज ऐसा होते। अच्छा अवस्थी जी, अभी क्या है बम की कल अफवाह तो क्या थी, खबर थी कंक्रीट थी, अफवाह हम उसको अभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत सॉलिड इनपुट थी। अभी क्या जानकारी है आज की, देखिए क्या क्या हुआ कल, कल रात के बाद क्या हुआ, 10 बजे के बाद देर शाम को पुलिस को इनपुट मिले थे, हालांकि वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो थी वो उनकी इंटरसेप्शन थी जी जी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि एक बड़ी केंद्रीय एजेंसी जो थी वो किसी मतलब रिकॉर्डिंग मतलब जो आप जो कुछ करते हैं वो जब जांच परख कर रही थी तो उसको कुछ इनपुट मिले थे। उसी दौरान एक दूसरी केंद्रीय एजेंसी जो थी, हम नाम जानबूझ के नहीं बता रहे, हमें पता है लेकिन इतना मान के चलिए जी, उसने जब पड़ताल करनी शुरू की तो उसको एक खतरनाक इनपुट मिला कि हिमाचल के शिमला राजधानी क्षेत्र रिज को उड़ाने की, रिज पर या बम विस्फोट करने का एक षड्यंत्र जो था वो पाकिस्तानी बेस्ड जो टेररिस्ट थे वो कर रहे हैं, वहां से वो शुरुआत हुई जी, जी। उसके इमीडिएट बाद प्रदेश सरकार को इन्फॉर्म किया गया, गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बाकायदा शिमला पुलिस ने एक प्रिकॉशंस जारी की, अपने जितने भी डीएसपीज हैं, एसएचओज हैं, उनको हाई अलर्ट पे किया, सारे शिमला जिला में उन्होंने एकदम नाकाबंदी की। उसके तुरंत बाद सारे राजधानी क्षेत्र की छानबीन शुरू हुई, आपका रिज क्षेत्र जो है या आपका जो जितना भी वो एरिया भी मॉल है एरिया है वहां पुलिस ने सघन पड़ताल शुरू की जी, जी। कि कहीं बम कहीं रखा तो नहीं किया गया है। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियां, पहले डॉग स्क्वाड ही था, बिल्कुल बिल्कुल डॉग स्क्वाड था, फिर केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट पे हुई। पुलिस, हिमाचल सरकार ने जब आर्मी से मदद मांगी तो आर्मी के पास हालांकि शिमला में ऐसी सुविधा नहीं थी जो बम पे, बिल्कुल बिल्कुल चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड जो है हेडक्वार्टर जो है वहां से संपर्क किया गया। देर रात वहां से एक दो स्क्वाड आए, एक तो जो था वो जो बम विस्फोट जो बम को डिस्पोज स्क्वाड था जी, हां जी हां जी, दूसरा जो था जो ढूंढने में मदद, दोनों को काम पे लगाया गया। तो लगभग 3:30 बजे सवेरे तक ये काम चला, हालांकि कहीं भी ऐसा कुछ मिला नहीं, पर वो उसके तुरंत बाद ऐसा लगने लगा कि शायद जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो खत्म हो गया। अभी क्या है, आज के लिए क्या स्थिति है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, लेटेस्ट जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक शिमला अभी भी हाई अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है और वहां किसी भी तरह की कोई भी सरकार ने ढील नहीं बरती है। रिज पर आना जाना अभी तक प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां आप जूम में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, वहां आप लंबे समय तक खड़े नहीं हो सकते हैं, वॉक तो आप कर सकते हैं, आपने अगर निकलना है वहां से तो जा आ जा सकते हैं, क्योंकि वहां रिज से होके बहुत से रास्ते। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अभी तक रेस्ट्रिक्शन कायम है जैसे कल रेस्ट्रिक्शन थी, दैट इज कि अभी भी क्योंकि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके अलर्ट आया है, तो अलर्ट आज नए साल का
पहला दिन है जी, तो ये भी कल न्यू ईयर ईव थी और आज पहला आज भी तो आज भी उतना ही अलर्ट है। तो जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम शिमला में जो है, तो आप रिज पे जाने से परहेज कर सकते हैं, और भी जगह है वहाँ आप घूम सकते हैं आज का दिन, शायद कल स्थितियाँ दूसरी हो सकती है। अवस्थी जी, शुक्र है भगवान का, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी, लेकिन कुछ हमारी खामियां सामने आ गई हैं शिमला को लेकर। जी बिल्कुल, शिमला रिज जो है वो हिमाचल का शायद सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है इकट्ठे होने के लिए। जी, हम ये भी जानते हैं कि वहाँ हजारों की भीड़, जैसे आप बता रहे हैं कि 50,000 लोग भी हो सकते थे, और उसके ठीक नीचे पानी, बिल्कुल पानी के टैंक है, जिन लोगों को नहीं पता है, और पूरे शहर के लिए पानी स्टोर होता है वहाँ। बिल्कुल, भगवान न करे अगर वहाँ पे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो नुकसान की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुरक्षा हमें और बढ़ानी पड़ेगी क्या चल के, क्या लगता है? बिल्कुल, हमें उस राजधानी क्षेत्र और कम से कम रिज एरिया जो है इतना सेंसिटिव है उसमें तो बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। हालांकि वो बहुत से क्षेत्र जो सील्ड एरिया फिर भी वहाँ ज्यादा हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, जिस लिहाज से आपने जैसे खुद एलैबोरेट किया कि वहाँ सारे शिमला जिला की जो सारे शिमला राजधानी क्षेत्र की जो शहर है उसकी जो पानी की सप्लाई है वहाँ से होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ ऐसी कोई अनहोनी करने की कोई कोशिश करता है, कामयाब हो जाता है, तो नेचुरली नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ पुलिस और प्रशासन को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की वहाँ ऐसा माना जाता है कि दुनिया के हर देश का कोई ना कोई आदमी कभी ना कभी शिमला सीजन में शिमला होता है। तो अब किस रूप में कौन कब वहाँ घुस जाएगा, कौन सी हरकत कर जाएगा, ये कल्पनीय है, इसलिए वहाँ बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। जी जी, और खासकर तब जब हमारे आसपास के राज्य में माहौल संवेदनशील है, चाहे किसी भी वजह से। आप ये देखिए कि 15 अगस्त से पहले भी माहौल बना था, जब जयराम ठाकुर जी को जो अमरीका से जो फोन आया कि झंडा नहीं फहराने देंगे हिमाचल में, तो उसके बाद हिमाचल थोड़ा सा संवेदनशील तो हुआ है सुरक्षा के लिए। जी जी, और एक बात ये भी है कि हमारा प्रशासन और सरकार भी हाई अलर्ट पे, वही मतलब अंदाजा वहीं से लगा लीजिए आज आप कि किस तरह से रिज को खाली कराया गया, योजना के तहत किसी को कानो कान खबर नहीं होनी। अगर पता लग जाता है कि इनपुट क्या थी लोगों को, तो भगदड़ मचती। और आप देखिए कल रात आपने देखा होगा कि हमारे प्रसिद्ध धार्मिक वैष्णो देवी में भगदड़ मची थी, एक छोटी सी वहां भी गलती हुई थी, और उस गलती का खामियाजा पता नहीं कितने परिवारों को भुगतना पड़ा है, आगे कितने को भुगतना पड़ेगा। तो प्रदेश सरकार ने या पुलिस ने वहां बहुत अच्छा काम किया, ओमिक्रॉन के नाम पे वहाँ पे रिज को खाली करवाया गया जी, और जी, बाद में बताया गया कि सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल, तो अभी इनपुट आपको वस्ती जी ने बता दी है कि अभी रिज पे रेस्ट्रिक्शन लागू है आज का दिन कम से कम, कल क्या होगा हम आपको जानकारी सुबह से ही दे देंगे हमारे विभिन्न कार्यक्रम जो टीवी के होते हैं उसके माध्यम से। तो आज के दिन कम से कम परहेज करें आप रिज की ओर जाने का, बाकी जगह आप घूम सकते हैं।